पुराने समय में समाज के सदस्य अपनी आवश्यकताओं को सादे और पर्यावरण अनुकूल ढंग से पूरा करते थे बहुत अधिक संघर्ष किए बिना भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं। उस समय बनावटी जीवन शैली को बढ़ावा देने वाली कारखानों में निर्मित अनावश्यक वस्तुएं नहीं थीं, थी। न ही बेकार सामान की खरीदारी करने के लिए बड़े बड़े मॉल थे और न ही को ऐसी वस्तुएँ खरीदने के लिए उकसाने के लिए विज्ञापन थे अर्थव्यवस्था लोभ पर नहीं बल्कि जरूरत पर आधारित थी व्यापार सीमित था और अधिकतर सामान के लेन देन पर चलता था अपनी आवश्यकता की वस्तु मुझसे लीजिए और मेरी जरूरत की वस्तु मुझे दीजिए उस समय कोई शेयर बाजार का गिरना रुपए की कीमत में उतार चढ़ाव बजट महंगाई, बेहिसाब बेरोजगारी मुफ्तखोरी और हड़तालें न थी धर्म गुरु शासक मिलकर सामाजिक चलन का नीति निर्धारण करते थे नकली जीवन शैली से लोग अनभिज्ञ थे तब धर्म शास्त्र व्यवसाय नहीं मार्गदर्शन का माध्यम था जिससे आचार्यों द्वारा नीति और आदर्श पूर्ण सामाजिक जीवन जीने की मार्गदर्शन मिलता था अज्ञानी विधर्मी लोगों द्वारा शास्त्र का अर्थ को अनर्थ कर समाज को दूषित करने वाले राजदंड से दंडित होते थे धर्म की नाम पर भोले भाले लोगों को ठगने की पाखंड नहीं था लोगों की जीवन में शांति समाज में भाईचारा और सुख समृद्धि भरपूर थी माता पिता और गुरुजनों की सम्मान था समाज को प्रेममय कर शांति स्थापित करने के लिए भगवत आचरण द्वारा समाज में धर्माचरण को पुनः स्थापित करना होगा दुनिया को पाखंड से बचाना होगा